हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला सिटी में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे दो हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल जहाँ हम मनोरोगणों को बिना रिश्तेदार दाखिल करते हैं और उनका इलाज करते हैं, वहीं हम शराबी जो लोग हैं, नशा वाले, उनका इलाज करते हैं। और दूसरा हॉस्पिटल जो है वहाँ मनोरोगणों को रिश्तेदारों के समेत रखते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास में जो पेशेंट आते रहते हैं उसमें से काफ़ी लोगों को एक्सेसिव फियर रहता है, उसके बारे में, उसको हम फोबिया भी कह सकते हैं। देखिए, कुछ कुछ लोगों को है ना, बहुत छोटे छोटे डर रहते हैं, जैसा उनको अंधेरे का डर रहता है, या कोई ड्राइविंग का डर रहता है, या कुत्ते का डर रहता है, तो ये छोटे डर रहते हैं और वो डर से उनको कुछ फर्क पड़ता नहीं है, डरते हैं वो और उनका कोई लाइफ इफेक्ट नहीं होता। कुछ डर तो बहुत जरूरी है, मतलब समझो भी मैं हाईवे से जा रहा हूँ और मुझे डर नहीं है तो मैं कैसी भी गाड़ी चलाऊंगा और मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट का डर है करके मैं बराबर गाड़ी चलाऊंगा और चलाता हूँ। मगर कुछ कुछ ऐसे डर है कि जो बिना कुछ वजह, बिना बेसिस के, और बहुत ज़्यादा डर है और उससे हमारा लाइफ इफेक्ट होता है, तो वो डर का प्रॉब्लम है। हमारे ज़िंदगी के ऊपर असर होता है, हम जिंदगी बराबर जी नहीं सकते हैं और फिर उसका ज़िंदगी पर जब असर हो जाता है, ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाता है, तो वो हम फोबिया में उसको उसका वर्णन कर सकते हैं या उसको फोबिया कह सकते हैं। फिर होता क्या है कि वो लोग वो चीज़ अवॉइड करते हैं और जब वो अवॉइड करते हैं तब जीवन जीना ही मुश्किल हो जाता है। अब उदाहरण के तौर पर हम बोले कि भाई किसी को लिफ्ट का बहुत डर है, अभी लिफ्ट का डर है और लिफ्ट में जा सकता नहीं वो, तो फिर समझो उसका मकान जो, उसका जो फ्लैट है वो 15वें माले पे, 20वें माले पे है, तो वो कैसा जाएगा, वो तो स्टेयर कैसे जाएगा चढ़ते चढ़ते जीने को, तो फिर वो कैसा होगा, उसको तो प्रॉब्लम है क्योंकि लिफ्ट में जाता नहीं है। कुछ लोगों को घर से बाहर निकलने का डर है, क्यों घर से बाहर ही निकलते नहीं, मतलब लोगों में जाने का डर, लोगों में मिलने का डर, और फिर वो घर में बैठे रहते। मतलब मेरे पास में जो पेशेंट आते हैं दो दो तीन तीन साल लोग घर में बैठे हैं, घर के बाहर ही गए नहीं, उनको डर लगता है बाहर जाने का। या कोई लोगों को बंद जगह का डर लगता है, मतलब अकेले नहीं रह सकते और बंद जगह पर रह सकते नहीं, अकेला रहना मुश्किल है, तो घर में अकेले रहते कोई ना कोई पास में होना, उनके साथ में होना। कुछ लोगों को ट्रैवल करने का डर रहता है कि वो ट्रेन में जा सकते नहीं, सफ़र नहीं कर सकते, बस में सफ़र नहीं कर सकते, कार में सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ऐसा होता है कि कुछ तो भी हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो फिर इसमें कुछ कुछ ऐसे फोबिया, मतलब कुछ फोबियाज जो है उसके कुछ टाइप्स जो मैं बताऊंगा आपको, देखिए सिंपल फोबिया। तो सिंपल फोबिया मतलब छोटे छोटे फोबिया, जैसा पानी का डर है वो पानी के पास में जाता नहीं, या कुत्ते का डर है, या चिपकली का डर है, या बिल्ली का डर है, तो ये लोग उसको अवॉइड करेंगे और उनका जीना चलता है, मतलब उनका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं, क्योंकि वो चीज़ अवॉइड भी किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिंपल फोबिया है। कुछ लोगों को एगोराफोबिया होता है। एगोराफोबिया जो है वो है ओपन स्पेस में जाने का डर, मतलब बाहर जाने का डर, घर के बाहर ओपन स्पेस में, मतलब रास्ता पार करने का डर है, या फ्री मैदान में जाना है, या कहीं घर के बाहर जाके रोड पे जाने का है, या किसके यहाँ जाने का है, मतलब वहाँ उनको ओपन स्पेस में जाने का डर है, या वो हाइट पे जा सकते नहीं, कोई भी मंजिल पे आप, मतलब वो गया आदमी वो ऐसा बाहर से टेरेस पे जा सकता है, उसको डर लगता है, वो बहुत ही डर मतलब उसको लगता है, उससे जाता ही नहीं वो। कुछ लोगों को सोशल फोबिया है। सोशल फोबिया मतलब लोगों में मिलने का डर, शादी में, कोई फंक्शन में जाने का डर, वहाँ लोग रहेंगे तो वहाँ कैसा होगा, तो वहाँ उनको डर लगता है, और लाइक स्टेज पे जाने का डर है, या पब्लिक में जाने का, बात करने का डर है, ये इंटरव्यू दे सकते नहीं लोग, और उनकी ज़िंदगी मतलब इसमें रुक जाती है। तो ऐसे बहुत सारे डर है कि उनकी ज़िंदगी रुक गई है, उनको उस समय ऐसा लगता है, वो जो जिसका भी डर लगता है वहाँ यदि वो गए, समझो अवॉइड नहीं किया और वहाँ यदि गए वो सिचुएशन में, तो उनको इतना पसीना छूट जाता है, बहुत पसीना, हाथ कांपना, दिल घबराना, दिल धड़कन करना, घबराहट, और उनको लगता है कि यहाँ से मैं भाग जाऊँ, यहाँ नहीं रहूँ, तो वहाँ जाएंगा ही नहीं वो, वहाँ से भाग जाएगा। अब इसका इसका कारण क्या है, ये ऐसा होता क्यों है?
एक तो क्या है कि बचपन से तो कोई ऐसा किसको डर रहता नहीं है, मगर ये कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंस पास्ट में होते हैं, अतीत में, कि जिसकी वजह से इनको ये डर बैठता है। हो सकता है कि भाई कार ड्राइविंग का डर है, बहुत लोग है कि जो ड्राइविंग करते नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे कि वो बाइक नहीं करेंगे, कार ड्राइव नहीं करेंगे, इवन साइकिल तक ड्राइव करेंगे नहीं, क्योंकि कुछ तो भी एक्सीडेंट पहले हुआ है, उनका खुद का एक्सीडेंट हुआ है या उन्होंने एक्सीडेंट होते हुए देखा है बहुत बड़ा, उसमें किसकी जान गई हुई है, इसलिए वो कार ड्राइविंग नहीं करते। या कोई मॉल में ऐसी कोई घटना हो गई कि जिसकी वजह से उनको डर बैठ गया इसलिए मॉल नहीं जाते, या रास्ता पार करने के समय ऐसी कुछ घटना हुई कि जिसकी वजह से वो रास्ता पार नहीं करते, मतलब कुछ तो भी ऐसी घटना हुई उनके साथ में या और किसी के साथ में जिसकी वजह से उनको डर बैठ गया, या उन देखा कहीं ना कहीं टीवी पे कुछ ऐसी मूवी देखी हॉरर मूवीज, वहां से डर बैठ गया है। तो ऐसा हो सकता है कि उनको ये मॉडलिंग से या अतीत में कुछ घटना हुई, या फिर एक डर आ जाता है समझो कि कभी कोई कमरे में लॉक हो गए हो, और लॉक होने के बाद में मतलब उनको कोई छुड़वाने वाला नहीं था, वो चिल्लाना पड़ा और बाद में फिर कोई लोग आया और उनको फिर वो कमरे से बाहर निकाला, वो लॉक हो गए थे, अब वो उनको बंद जगह का डर चालू हो गया, फोबिया। अब वहां से फिर अभी वो डर और जगह 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 फैल जाता है, मतलब एक जगह से वो जनरलाइज हो जाता है, जनरलाइजेशन हो जाता है उसका। तो शुरू होती है एक जगह, बाकी फिर अलग अलग जगह वो डर चालू हो जाता है। तो ऐसे फोबियाज ये है, इसका ट्रीटमेंट जो है वो एकदम अच्छा हो सकता है। एक तो क्या है कि तुरंत यदि फायदा करना है किसी को, एक तो क्या है कि तुरंत यदि फायदा करना है किसको, तो मेडिसिन से एकदम उसको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। जैसे अभी आज ही मेरे पास में एक पेशेंट आया था, बोले कि अभी 5 दिन बाद में एक बड़े घर के एकदम नजदीक वाले रिश्तेदार हैं, उनके शादी में मेरे को जाने का है, उनके तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा है मगर मैं जा नहीं पाऊंगा। तो उसको मैंने बोला ठीक है तू ऐसा कर, अब ये मेडिसिन ले ले, और उसको मैंने डोज लिख दिया, और वो मेडिसिन मैंने बोला कि तू जब जाएगा वहां तब ज्यादा कि एक एक डोज ज्यादा खा लेना, ताकि उसको फेस करेगा उस समय धड़कन होना, हाथ कांपना, घबराहट होना, सिर भारी भारी होना, बेचैनी, वो सब निकल जाएगा उस समय तक, वो टाइम निकाल ले। परमानेंट इलाज के लिए मेरे पास में फिर रिलैक्सेशन थेरेपी है, वो रिलैक्सेशन थेरेपी से डर निकलता है, हिप्नोथेरेपी है, काउंसिलिंग है, और फिर हम क्या करते हैं कि उसको ऐसा ग्रेडेड, मतलब धीरे 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 उसको उसका डर निकालने के लिए हम कोशिश करते हैं। कैसा, फॉर एग्जाम्पल कि समझो एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट होके उसको फिर डर बैठ गया कि कार चलाने का, कार ड्राइव करने का, कार में बैठने का डर है, तो फिर हम क्या करेंगे कि वो सिचुएशन का सिर्फ बैठ, मेरे पास में बैठो और उस सिचुएशन का वर्णन करेंगे, विजुअलाइज करो और सोचो कि तुम कार में बैठे हो और कार में बैठ के सफर कर रहे हो, एक तो वो करो। फिर उसको पिक्चर बताएंगे, कार में आप बैठे हुए हैं और कार में बैठ के सफर कर रहे, ऐसा पिक्चर बताएंगे, विजुअलाइज करने लगाएंगे। फिर धीरे धीरे उसको बोलेंगे तू ऐसा कर कि कार के पास में जाके खड़ा हो जा, बैठो मत, जाओ मत कहीं। फिर धीरे धीरे 1-2-3 दिन के बाद में कार में बैठ, चलाओ मत, वापस उतर जा, वापस आ जा। फिर धीरे धीरे कार में बैठो 1-2-4 दिन के बाद में, फिर थोड़ी सी दूर तक कार लेके जाओ, कार के कांच वगैरह खुले रखो और बाद में उसको वापस ले आना, मतलब ऐसा धीरे 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 उसको एक्सपोजर देते हैं और एक्सपोजर से उसका डर निकल जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे उसके इलाज हैं। बहुत लोग हैं ऐसे कि जो सफ़र कर रहे हैं इसमें, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, 4-4 साल 5-5 साल लोग घर में बैठे हुए कुछ काम धंधा करते नहीं है, क्योंकि उनको इतना अत्यधिक डर लगता है कि वो काम के रहे नहीं। तो ऐसे काफ़ी लोग होंगे, आप ये वीडियो आपके फेसबुक के ऊपर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जरूर शेयर करो, ताकि वो लोगों तक पहुंच जाए कि जिनको ये प्रॉब्लम है, और उनको ऐसा रास्ता मिल जाए कि वो इलाज कर सके अपना। ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, उसको शेयर करो। हमारा जो मिशन है वो है व्यसन मुक्त भारत, शराब के नशे वाले जो लोग हैं उनका पूरा इलाज करना और नशा मुक्त भारत करना, और हर एक को मानसिक स्वास्थ्य, तो उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।